जिसे मौत का डर नहीं होता ना, किसी हद तक भी जा सकता है, वो जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। मामा जी ने मेरा हाथ मांगा है ना, कबूल है मुझे। तो क्या सचमुच चली जाएगी? इनकार नहीं कर सकती। इनकार करने की हिम्मत कहाँ है किसी में, लेकिन तुझ में हिम्मत है आसिया। देख लेना आसिया, एक न एक दिन जीत तेरी ही होगी। एक बार और सोच लेना। तो बाहर जाकर कह देती हूँ, नाजो को रिश्ता मंजूर नहीं। हिम्मत है मुझ में लोगों का सामना करने की। सीपी बहुत हिम्मत दे गया है। माना कि इस निकाह में मेरी मर्जी शामिल नहीं है, लेकिन मुझे अपनी मर्जी से ज्यादा आपकी इज्जत प्यारी है। बीबी, आपने उन लोगों को जुबान दी है अपनी, आपकी जुबान की लाज रखूंगी मैं। मेरी एक जुबान की लाज रखने के लिए अपनी सारी जिंदगी न बर्बाद कर। आपकी इज्जत की खातिर बीबी ऐसी लाखों जिंदगियां कुर्बान। आपको बताए बीबी, मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है कि मुझे मेरी मां वापस मिल गई। देखना तू, बजार की दूसरी बीवी बनने जा रही है तू। जिंदगी आसान नहीं होगी। इतनी मुश्किल भी नहीं हो, जानती हैं बीबी मेरी जिंदगी कब मुश्किल थी? जब आप मेरे सामने होती थी, मेरे आसपास होती थी, मेरे करीब होती थी, लेकिन मैं आपसे बात नहीं कर सकती थी। बीबी, जाने से पहले मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर देंगे? बोल। आज रोने का बड़ा दिल कर रहा है मेरा। एक बार कल्ले से लगा लेंगे, दिल को बड़ा सुकून मिल जाए। मारो बाजी लो पीवे लो। सकीना बाजी आ जाना, नाजु बीबी रुखसत हो रही है।
खुश रहना सुबह जी आप। अल्लाह साई आपको खुश रखे। गुड इवनिंग, कैसी है? पिछे रहे। हम के बात तो और भी सुनी हो गई है। मैं कह रही हूँ पीछे हट, वरना मैं मार दूंगी। रोटी खाई है तूने नाजो के ब्याह की? किसी ने नहीं पूछा होगा ना। मैं खिलाऊंगा तुझे अपने हाथ से। बाजी सुलेखा, बाजी सुलेखा, बाजी सुलेखा, जहां ने साई को और कुछ भौंकेगी भी। आसिया ने जहां ने साई के सर में डंडा कट मारा। साई, तेरे सर के साई, साई, तेरी इतनी जुड़त। खबरदार, मैं बहुत गुस्से में हूं। मैं नहीं देखना कि कौन इस हवेली का क्या लगता है, किसके नाम कितने मुरब्बे। बकवास बंद कर। हवेली के दो पुत्र खा गई है, कलेजे को ठंड नहीं पड़ी तेरे? मेरी इज्जत की तरफ कोई भी मेली नजर से देखेगा ना, यही करूंगी मैं, बल्कि इससे बुरा करूंगी। जा, ले जा इसे उठा के। अभी तो बोल रहा है ना, ये ना हो कि बोलने के भी काबिल ना रहे। जा। चल कौसर, उठ साईं, उठ। संभाल के, संभाल। मुबशर उन हवेली च वेंदे डिठे। बैठ जा। क्यों गए थे उसके पास? चंगी नहीं लगती मैं आपको? दर्द हो रहा है ना कर। उसे तो अपनी जान की परवाह नहीं है, किसी की क्या करे, मरने मराने पे तुली है। कितनी बेदर्दी से मारा है कमीनी ने। बीबी को बता। ओ, नहीं नहीं, बीबी को ना बता। पर तुझे मेरी कसम,
शाहजेब का दुख वो पहले ही पाल रही है, दिल परेशान है, परेशानी में कोई ऐसा फैसला कर देगी बाद में हमें भुगतना पड़ेगा। चलिए ठीक है, नहीं बताती, पर इस चोट का तो कुछ करना पड़ेगा ना। हो जाएगी ठीक, आप पे फिक्र ना कर, हो जाएगी ठीक। आप पे कैसे हो जाएगी, अभी थोड़ी देर में सूज के आलू पड़ जाएगा। कौसर से कहती आटे में तेल और हल्दी बनाकर लेप लगाए, उससे ठीक हो जाएगा। आती गाल छो, उसको समझा दे बीबी से इस गल का जिक्र ना करें। हाँ आए क्या देख रहा है? कुछ नहीं बीबी। यकीन नहीं आ रहा ना कि तेरे जहां साई को मैंने सिर पे डंडा मारा है। हाँ मैंने ही मारा है, और जो भी मेरी तरफ बुरी नीयत से आएगा ना ऐसा ही करूंगी, जो भी मेरी तरफ बुरी नीयत से देखेगा भी ना यही हाल करूंगी मैं उसका। डंडा है मेरे पास। या मेरे रब्बा, आई बिने कहा था ना रो मेरी थी बड़ी ताकत आ गई है तेरे में, बड़ी अथरी बनी फिरती है ना। भूल अभी तक तुझसे नरमी से बात कर रहा था मैं, तू भी ना भूल कि पिछली चोट का निशान अभी बाकी है तेरे सर में। लगता है पिछली सट का दिमाग से असर कम हो गया। नरमी से बात करे या सख्ती से, मेरा जवाब ऐसे ही मिलेगा। ठीक, तो फिर देखते हैं कि अगली बारी सवाल जीतता है या जवाब। हाँ
बिस्मिल्लाह कर और खा ले। क्यों करती है ये सब? चंगा लगता है मुझे? मुझे चंगा नहीं लगता। ऐसे तो ना कह, इतने प्यार से लाई हूं तेरे लिए, अपने हाथ से खिलाती, खा के तो देख। चंगा बना है तो है, बनाया है तू आखेगा तो मैं भी बना दूंगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। एक बात तो बता जरा। सौ कुछ जहां जेब ने तुझे कुछ बताया है? किस बारे में? शाहजेब के कत्ल के बारे में? नहीं, क्यों? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि शाहजेब को किसने मारा है उसके बारे में कुछ पता चला है या नहीं? तू क्यों पूछ रहा है? ऐसे ही सारे पिंड में उसके कत्ल का जिक्र जो हो रहा है इसलिए। वालेकुम सलाम, क्यों खड़ा है? कुछ नहीं, बस इवें खड़ा। ताएगा या नीचे आके पूछूं? वो गुलाम सही, मेरी क्या मजाल, ये हवेली दिया पाक औरतों के बारे जे मैं कोई गाल करा। क्या बोल रहा है? हाँ, गोली मार दो सही, ढंगू नंगा रखे गोली मार दो। मैं जड़ी गाल जबान नहीं जा सकता, किवें दसावा? छोटी बीबी हुन को मुबशर हुन ते हवेली च वेंदे डिठे। और अगर ये बात झूठी निकली ता सही, मैं दसी ना उसी ते तुहाड़ी बंदूक दी गोली। तलाशी लेनी है तेरे घर की। क्यों? बता नहीं सकता तुझे वजह, लेकिन तलाशी जरूरी लेनी है। और अगर मैं मना कर दूं तो? पूछ नहीं रहा, दस रहा हूं तुझे, टुकर खा तू।
हाँ बोल। हाँ हो गई तसल्ली। रोटी कहां से आई है ये? रज्जो लेके आई है मेरे लिए मुल्तान से। कणक तो राजनपुर की है। मैंने ये भिजवाई थी ये कणक। अच्छा, रज्जो कभी आवे तो मुझसे मिलवाना, मेरी भी कुछ लगती है, पूछूंगा उससे। कभी मेरी हवेली आई नहीं वो, लेकिन उसके हाथ की रोटी बिल्कुल मेरी हवेली की रोटी जैसी क्यों है? बैठ, टुकर खा। मैं भी चलती हूँ, हवेली जाके ढूंढेगा मुझे। अपना ख्याल रखना। मत भूल, तू उसके निकाह में है। मैं उस निकाह को नहीं मानती। जबरदस्ती अंगूठे लगवाए थे मुझसे। सुभा जी, आप कब आई? जब तू आंखें बंद करके सीपी के बारे में सोच रही थी। आपको पता चल गया कि मैं सीपी साईं को याद कर रही थी। जब तू आंखें खोलती है ना, तो वो तेरी आंखों में नजर आता है, और जब तू आंखें बंद कर लेती तो ऐसा लगता है जैसे वो तेरे आसपास है, तेरे दिल में, तेरी सोच में, तेरी नजरों में। आप भी तो उन्हें ऐसे याद करती होंगी ना, जिनसे आप मोहब्बत करती थी। नाज़ुबा जी, आओ ना मेरे पास बैठो, बैठो ना। कितना सोना जोड़ा पहना है,
सोहनी लग रही है। देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूं, किताबें। क्या हुआ? मैं जब भी किताबें खोलती हूं ना, मुझे भी साई का चेहरा सामने आ जाता। अगली बार जब वो आए ना तो उदास ना होना, उससे बात करना, उससे कहना कि पढ़ाई करते हुए तुझे तंग ना किया करे। वो इतनी मोहब्बत करता था वो तुझसे, इतना तो कर ही सकता है ना वो। मुझे लगता है सेबी को तेरा रोना बहुत पसंद था। तो फिर क्यों रोती है? मना किया था ना मैंने। मैं बहुत कोशिश करती हूं कि ना रो, लेकिन कम वक्त आंसू खुद ब खुद गिरने लगते। अगली बार सेबी के बारे में सोच कर कोशिश करना। सलाम साईं। क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हैं? किधर गई थी? बताया तो था सवेरे सहेली की छोटी बहन की शादी थी। ना के सहेली था हाजरा। और जिस छोरी की शादी थी उसका क्या नाम था? साबरा। क्यों शक कर रहे हैं मुझ पे? आपको क्या लगता है झूठ बोल रही हूं मैं? शक नहीं, मेरे को यकीन है तू झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही हूं मैं? तो फिर ये शिवारे भी झूठ होंगे। और ये पत्तियां, ये फूल की पत्तियां भी झूठी होंगी जो बरातियों के इस्तकबाल पे उन पे फेंकी गई। और ये देख के सालन का दाग, ये भी झूठा होगा जो प्लेट में सालन डालते हुए लग गया। हाथ पकड़ा है, पकड़ा है ना, चले मेरे साथ। कहां? ब्याह वाले घर लेके जाऊंगी आपको। वहां जाके एक एक बंदे एक एक सुहाणी से पूछवाऊंगी कि यहां शादी थी कि नहीं और मैं आई थी कि नहीं। फिर तो यकीन आ जाएगा ना आप। चले चले मेरे साथ। कोई लोड नहीं।
मैं कहीं जाऊंगी नहीं। इस हवेली से तो क्या, इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी, यही पड़ी पड़ी मर जाऊंगी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ साईं, आसिया के लिए आपकी नजरों में चाहत भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने लिए शक बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा छड़ भी, प्यार करता हूं तुझसे इसलिए शक करता हूं? ना साईं, प्यार इत्तबार से होता है, भरोसे से होता है। ना, तू खुद ही तो कहती है कि भरोसा भूल जाने का बहाना होता है, हैं? और शक हर वक्त दूसरे की याद दिलाता है। और मुझे हक नहीं है कि जब तू मेरी नजरों के सामने ना हो तो तुझे याद करूं। बोल, आज के बाद मुझ पर शक किया ना तो कुछ कहा के मर जाऊंगी मैं। अच्छा नहीं करूंगा, रोना बंद कर। अब ना रो, चलिए बस कर। सलाम बीबी। जहाने के सर में डंडा तूने मारा? जी। शर्म नहीं आती तुझे? शर्म ही तो आती है, इसलिए डंडा मारा है। ये शर्म होती ना उसकी बात मान लेती। तो क्या समझती है, हर दफा बच जाएगी? मुझे ऐसे ही लगता है। मत भूल तू उसके नकामे है। और आप भी मत भूलिए बीबी कि मैं उस निकाह को नहीं मानती। जबरदस्ती अंगूठे लगवाए थे मुझसे। तो दोबारा लगवाएं पंचायत, उसमें कर लेते हैं फैसला, फिर देखती हूं कैसे नहीं मानती। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है बीबी, लेकिन ये नहीं। मर गई है कौसर। जी बाजी। मेरा मोबाइल तेरे पास है? नहीं। सच सच बता, अगर तेरे पास है तो दे दे, जितने पैसे कहेगी दे दूंगी तुझे। गला घोट दे मेरा, पर चोर ना आखे मुझे। चोरी करनी भी होती तो आप की करती। तेरे कोल भी नहीं है तो फिर
कहाँ गया? चल कहाँ? चौधरी मुबशर के घर, वहीं रह गया होगा, वहां ढूंढती हूँ जाके। और कोई पूछे ना तो कह देना शहर गई हूँ कपड़े खरीदने। जल्दी कर, चादर लेकर आ मेरी। अच्छा जी बीबी जी। पर मैं, हम तीनों में तू ही पड़ी है ना? मोहतरमा जन्नत बीबी साहबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपके गांव का एक आम सबंदा हूँ। नाम इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि जहां साईं से डर लगता है। कत्ल ही ना करवा दे, इतना डर तो हमें रंगे साईं से भी नहीं लगता था, मगर जहां साईं ने तो हमारी जिंदगी अजीरन कर दी है, अपने बंदों को खुला छोड़ रखा है, आते जाते लूटते हैं, को पूछने वाला नहीं है। कहां हम सड़कें, अस्पताल और स्कूलों का मुतालबा करते थे, मगर अब तो दो वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल है। गांव वालों की तो जान दूर की बात है, इज्जतें भी महफूज नहीं है। आप जहां साईं को समझाएं, जुल्म की रात लंबी जरूर होती है मगर इसके बाद सुबह आती है। ऐसा ना हो कि रंगे और जेबी की तरह किसी दिन इसको भी कोई कत्ल कर दे। जी बीबी। चलो इश्क़ावे किधर से आ रही है? अद्दा से मिलने गई थी। तुझके साथ गई थी? तेरे बंदे के साथ गई थी। जाए वकुआ से कुछ फासले पर हमें ब्लड के कुछ सैंपल्स मिले हैं। साईं, या तो ये कातिल का ब्लड है या फिर किसी ऐसे शख्स का जिसने कत्ल होते हुए देख लिया था। मैं तो ये चाहती हूँ ये थानेदार भी ईमानदार रहे। ईमानदार रहेगा तो जेबी के कातिलों का पता लगा सकेगा।